आज हम लोग आयन सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आयन सोर्सेज, जैसा कि आपने देखा कि पार्टिकल एसिलेटर्स में हम लोग परमाणुविक आयनों को, जो एटॉमिक आयन्स होते हैं, उनको एसिलेट करा करके उनकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि करते हैं। इन एटॉमिक आयन्स को प्राप्त करने के लिए हम जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसको हम आयन सोर्स कहते हैं। इन आयन सोर्स की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली क्वालिटी है कि जो आयन सोर्स होता है वो हाई एफिशिएंसी वाला होना चाहिए, साथ ही वह कॉम्पैक्ट और ड्यूरेबल होना चाहिए। आयन सोर्स से प्राप्त जो आयन है सारे एक समान होने चाहिए, साथ ही उनके बीच में जो एनर्जी बैंडविड्थ है वो मिनिमम होनी चाहिए, और साथ साथ वो अच्छे उत्सर्जक गुणों के साथ उच्च तीव्रता के पुंज प्रदान करने वाला होना चाहिए। जो आयन सोर्सेज हैं, इन आयन सोर्सेज को हम लोग, इनका जो बेसिक जो थ्योरी है वो ये है कि आयन सोर्स में हम लोग एक्चुअल में करते क्या है कि जो एटम्स के हमको आयन चाहिए होते हैं उसको गैसीय अवस्था में लिया जाता है, और गैसीय अवस्था में लेने के बाद में वहां पर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक एनोड और कैथोड, और उन पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके या तो उनके बीच में हम स्पार्क डिस्चार्ज कर सकते हैं, या फिर स्पार्क डिस्चार्ज के अलावा थर्मोनिक इमिजन से हम इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर लें, और इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जब कैथोड से एनोड की ओर मूव करेंगे तो जो गैसियस एटम्स हैं उनके साथ में वो इंट्रेक्शन कर उनको आयोनाइज करते हुए चलेंगे, और आयोनाइज करने के साथ साथ जब ये जो हमारे पास में पॉजिटिव आयन्स हैं, इन पॉजिटिव आयन्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या करते हैं कि उन्हें कॉलिमेट कर देते हैं, यानी कि समांतरित कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमें पॉजिटिव आयन्स का एक बीम, पैरेलल बीम, कॉलिमेटेड बीम प्राप्त हो जाता है, और इसको हम एक जो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर एक विंडो लगी हुई होती है, उस विंडो से उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके बाहर निकाल करके जहां जिस जगह हमें उनका यूज करना होता है वहां पर उनका यूज किया जा सकता है। अब इसका जो बेसिक हमारे पास में फिगर है, ठीक है, आयन सोर्स का उस बेसिक फिगर ये इस तरह का, यहां देखिए ये हमारे पास में फिलामेंट है, और ये फिलामेंट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने के साथ साथ जब वो टुवार्ड्स द एनोड की ओर मूव करेंगे तो यहां से जो हमारी गैस जो एटम्स हैं वो गैसेस एटम्स जो इसके अंदर फिल्ड होते हैं और इनके ऊपर जब वो इंट्रेक्शन करेंगे तो वो गैसेस एटम्स को आयोनाइज वे में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। साथ साथ ही यहां पर कॉलिमेटर्स लगाए जाते हैं, कॉलिमेटर्स का मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करता है, उन सब पॉजिटिव आयन्स को कॉलिमेटेड रूप में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट जब वो सारे के सारे पैरेलल हो जाएंगे तो फिर उसको हम यहां पर विंडो पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके उनको बाहर निकाल सकते हैं। आयन सोर्सेज को इनके विसर्जन परिघटना और भौतिक विन्यास के आधार पर हम पांच भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हॉट कैथोड आर्क, इस हॉट कैथोड आर्क में ये जो होता है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन सोर्स ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है तापायनिक उत्सर्जन से हम कैथोड से प्राप्त करते हैं, और कैथोड के रूप में टंगस्टन या टेंटेलम जो हमारे पास में धातु है उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो कैथोड आर्क आयन सोर्स है हमारे पास में, इसमें आर्क जो है कम विभव 200 वोल्ट से लेकर के 800 वोल्ट के विभवांतर तक हम इसको काम में ले सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास में स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स जो है यह आयन सोर्स जो स्पार्क या स्फुलिंग विसर्जन प्रक्रिया पर आधारित, यानी स्पार्क विसर्जन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर ये आधारित होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो फ्रीक्वेंसी विद्युत सोर्स से 10 किलोवोल्ट से 20 किलोवोल्ट तक की हाई वोल्टेज पल्स आरोपित कर विसर्जन उत्पन्न किया जाता है इसमें एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो उसी पदार्थ को बनाया जाता है जिसके हमको आयन चाहिए होते हैं, और इसमें भी वही प्रोसेस है कि जब आपके पॉजिटिव आयन्स जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन्स को हम मैग्नेटिक फील्ड लगा करके कॉलिमेट कर देते हैं, और जिससे कि धन आयनों का समांतर पुंज प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार के आयन सोर्स को हम जनरली रेखीय त्वरक और प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में काम में लेके आते हैं। थर्ड टाइप का जो है हमारे पास में मैग्नेटिक आयन सोर्स होता है, और इस मैग्नेटिक आयन सोर्स जो है
ये एक तरीके का जो अपना हॉट कैथोड आर्क आयन सोर्स है उसी का ही मॉडिफाइड रूप होता है। इसमें एक अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र लगा करके निर्गत क्षेत्र के रेंज में विसर्जन को संकेंद्रित कर लिया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों का एक चुंबकीय बल रेखाओं के अनुदिश स्पाइरल गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों को समांतर पुंज के रूप में संग्रहित करता है जो उपयोग में ली गई गैस को आयनित कर देता है। चौथा आता है हमारे पास में रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज सोर्स। यह सोर्स भी रेडियो आवृत्ति के ऊपर काम करता है और रेडियो आवृत्ति क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रोड रहित ब्रेकडाउन के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार के सोर्स में एक पायरेक्स कांच की जो नलिका में दबलाकार इलेक्ट्रोडों के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी पर विसर्जन कराते हैं। विसर्जन के में जो गैस का काम में ली जाती है वो गैस 10^-2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी स्केल प्रेशर पर रखी जाती है और इस पर लगभग 700 MHz रेडियो फ्रीक्वेंसी पर 60 वाट की जो पावर है उसका उपयोग हम करते हैं। अगेन वही बात आती है कि इनको कॉलिमेट करने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से आरोपित करते हैं कि कैथोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर्पिलाकार गति करते हुए अधिक से अधिक परमाणुओं से टकराकर धन आयनों को उत्पन्न कर लिए। लास्ट जो आता है हमारे पास में वो आता है इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन आयन सोर्स। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन आयन सोर्स जो होता है ये एक आधुनिक आयन सोर्स है जिसका कि अब रिसेंट साइंस जो हमारे इन्वेंशन वगैरह रिसर्च हैं वहां पर इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इस आयन सोर्स में हाई इंटेंसिटी के आयन हमको मिलते हैं और जो हमारे पास में उच्च तीव्रता के जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन दोलनों का उपयोग कर विसर्जन में जो आयनाइजेशन डेंसिटी है उसको बढ़ जाती है। इसमें एक बेलनाकार एनोड और दो डिक्स टाइप सेकेंडरी कैथोड्स के मध्य 500 वोल्ट रूपांतर लगाया जाता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10^4 गाउस पर डिस्चार्ज किया जाता है। चैम्बर के अंदर जो गैस का दाब है वो 10^-2 मिलीमीटर मर्करी स्केल के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार का जो दोलनी इलेक्ट्रॉन आयन सोर्स है इसके अंदर इससे जो प्राप्त हमारे को जो आयन्स होते हैं वो सारी वही कंडीशंस फुलफिल करते हैं जो कि एक आइडियल आयन सोर्स के लिए आवश्यक होती है। थैंक यू।